लोग हमेशा आपको आपकी दो चीजों पे जज करेंगे, पहली चीज आपकी गर्म जोशी कितनी है और दूसरी चीज आपकी कंपिटेंसी कितनी, कितने कंपेटिटिव हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्मार्ट हो, बातें कैसी हैं, डब्बा जो है इसके अंदर क्या है। दोनों चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गर्म जोशी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब किसी से मिले सबसे पहले उसे अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाएं, अपनी कंपिटेंसी मत दिखाएं, सबसे पहले उसको अपनी गर्म जोशी दिखाएं, अपनी कम्युनिकेशन दिखाएं, अपनी बातें दिखाएं, आप उसकी रिस्पेक्ट कितनी करते हो, इज्जत कितनी करते हो, ट्रस्ट कितनी करते हो, उसके बाद फिर आप अपनी कंपिटेंसी दिखाओ, इंटेलिजेंट दिखाओ। जो बंदे में गर्म जोशी ज्यादा है और जिस बंदे में कंपेटिटिवनेस ज्यादा है, यानी कि इंटेलिजेंट ज्यादा है बंदा, कंपिटेंट ज्यादा, स्किल ज्यादा है उसके अंदर, ये जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा, लोग उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। जितनी ज़्यादा होगी ये दो चीज़ें, उतनी ही रिस्पेक्ट उस बंदे की ज़्यादा होगी, उतनी ही उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, उतनी ही उसका बिजनेस ज़्यादा चमकेगा, उतना ही हर चीज़ में वो आगे जाएगा, क्योंकि लोग इज्जत जितनी करते हैं उतना ही लोग पे करते हैं। मेरी बात समझ गए ना? लेकिन जितनी ही ये दो चीज़ें कम होंगी उतना ही उसको कम पे होगा, उतना ही वो पीछे जाएगा, उतना ही उसकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट है, आपने देखो कई लोग होते हैं बड़ा कॉम्पिटेंट होते हैं लेकिन मुंह फट दिंदे ने, गाल करने की तमीज़ नहीं होती, पता नहीं होता कैसे डील करना है, इज्जत नहीं देते, शोगियाँ मारते हैं, दिख दिखावा करते हैं, मज़ा नहीं आता। वो वेले बैठे होते हैं, ऐसी दुकान वाले भी, ऐसे बिजनेस वाले भी, ऐसे जॉब वाले भी, कोई नहीं पूछता उन्होंने, कोई नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि बंदा बदतमीज़ है, बंदे को बात करनी नहीं आती, ठंडा बंदा है, गर्म जोशी नहीं है। मेरी बात समझ आ? लेकिन सबसे पहले जो बंदा गर्म जोश है, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा, फिर उस पर गर्म जोशी से क्या क्रिएट होता है, ट्रस्ट पैदा होता है। ट्रस्ट जब लोग पैदा होता है, जब ट्रस्ट का बनता है, फिर ट्रस्ट से रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ट्रस्ट से जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है फिर लोग बिजनेस देते हैं, सारा कुछ देते हैं। इसी तरह ना, एक लड़की या कुड़ी है बहुत ही सोनी, लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, टेंशन ही है ना, तो सुकून तो नहीं मिलेगा ना। सुकून किससे मिलेगा? सबसे पहले ट्रस्ट, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ट्रस्ट से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। ये इंसान की साइकोलॉजी है। जब इंसान, ये हम घरों में नहीं रहते थे, ये बॉक्सेस में नहीं रहते थे, घरों के डब्बों में नहीं रहते थे, जंगलात में रहते थे, तो हमारे जो साथ लोग होते थे वो कौन होते थे? वो लोग होते थे जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तो नहीं कि रात को सोया जाके खंजर हमारे पेट में घोंप दे, ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते थे ना। ऐसे लोग जो हमें हमारा साथ दें, हमें प्रोटेक्ट करें, जब हमारा टाइम आए हमारे साथ मिल के हमें प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले ट्रस्ट ज़रूरी है, और ट्रस्ट पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपकी गर्म जोशी ज़रूरी है, और गर्म जोशी के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, अच्छा मुसाफा करना ज़रूरी है, अच्छा कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाएं, अपनी स्किल दिखाएं, और फिर देखें आपके लोग इज्जत कैसे करते हैं। जब इज्जत करेंगे आपको लोग पे करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।